बेचारा वो बच्चा करे, न जाने क्या गुजरी होगी उस पर। पहले तो वो किडनैप हुई और अब उसने उन रोशनी वाली आत्माओं को भी देखा होगा। गांव वाले कह रहे थे कि वो दलदल यही कहीं है, जहाँ पे ये सारी मौतें हुई। एक एक कदम ध्यान से रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उस दलदल के शिकार बन जाएं। बस एक बार ये रोशनी वाली शक्तियां रिकॉर्ड हो जाए कैमरा पे, फिर मैं एक मिनट भी नहीं रुकना चाहूंगी इस भयानक जगह में। याबिनी, ये देखो फावड़ा। ये क्या, इस फावड़े में खून है? इस पर कुछ लिखा हुआ है। शाम। शाम? अभी शाम कौन है? वो हम बाद में पता लगाएंगे। चलो आगे चलकर देखते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। चलो। यामिनी, ये कहाँ चली गई? यामिनी, नहीं रुको, ये पूरा दलदल है, हम दोनों भी फंस सकते हैं, पीछे हटो। यामिनी, यामिनी, हिलना मत, वरना तुम और फंस सकती हो। कोई खींच रहा है मुझे। यामिनी, इसे पकड़ो। यामिनी छोड़ना मत यामिनी। एक मिनट जमीन पे लेट जाओ। यामिनी अपना हाथ दो यामिनी। छोड़ना मत तू। यामिनी संभल के यामिनी। दोस्त भी कहती हो और थैंक यू भी बोलती हो। वैसे तुम्हें अंदर कौन खींच रहा था? पता नहीं आज अंदर एक हाथ था। एक हाथ?
अरे बस बस एक मिनट। कहिए। क्या आप इस कस्बे में किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो जंगल में अक्सर जाता है? जी नहीं मैडम, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। सुनील, सुनील, अच्छा हो तुम मिल गए यार। क्या हुआ साहब? सुनील यहाँ पे तुम क्या ऐसे इंसान को जानते हो जो अक्सर जंगल आता जाता रहता हो? जंगल में कभी जंगल जाता है या कभी जंगल के नजदीक? लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं साहब? इस फावड़े को पहचानते हो तुम? ये किसी श्याम नाम के आदमी का। श्याम का? अब बताओ क्या तुम जानते हो किसी श्याम नाम के आदमी को? हाँ साहब, श्याम तो लकड़ा रहा है और वो जंगल के पास ही रहता अपने दोस्त मंगेश के साथ। और क्या जानते हो आप श्याम के बारे में? वो गैर कानूनी ढंग से लकड़ियां काट कर बेचता है, इसलिए पुलिस को उसकी तलाश है। तभी तो जंगल में छुप कर रहता है। कस्बे में आएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा साहब। चलो जंगल चलते हैं, देखते हैं आखिर रहता कहाँ है ये शाम। क्या शाम यहाँ पर रहते? नहीं नहीं, यहाँ कोई शाम नहीं रहता। चलो यहाँ से। शाम यहीं पर रहता है ना? हाँ, हमें उसका पावड़ा मिला दलदल के पास। मैंने बोला ना, यहाँ नहीं है शाम। तुम कौन? कहीं तुम शाम के दोस्त मंगेश तो नहीं? तुम लोग कौन हो? देखो मंगेश, हम सिर्फ शाम से बात करना चाहते हैं। कहाँ है शाम? मैंने बोला ना, यहाँ शाम नहीं है। देखो मंगेश, हमें पता है कि तुम दोनों गैर कानूनी तरीके से पेट काट कर बेचते हैं, है ना? देखो तुम चाहते हो कि हम पुलिस के पास जाए? नहीं ना? तो सच सच बताओ, क्या कर रहे थे उस दिन तुम लोग जंगल में? जंगल? हम उस जंगल में कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे जंगल, कभी नहीं। तो फिर बताओ शाम कहाँ है? कहाँ है शाम? मर गया वो। मर गया? लेकिन कैसे? दलदल में फंस कर मर गया, उसी जंगल में। दलदल में फंस कर मर गया? यही पावड़ा लेने के लिए गए थे हम लोग, यही पावड़ा। पावड़ा लेने के लिए गए थे हम लोग। तुम दोनों इस पावड़े के साथ कर क्या रहे थे? हम लोग नहर के पानी का रास्ता बदल कर उस दलदल को जिंदा किया था हम लोगों ने। लेकिन तुम दोनों ने ऐसा किया क्यों? पैसे के लिए। पैसों के लिए? किसने दिए तुम्हें पैसे? गुलशन ने। गुलशन? गुलशन कौन है? गुलशन? गुलशन मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाता है। ये गुलशन हमें मिलेगा कहाँ? मत मिलना, कभी मत मिलना, वो सबको मार डालेगा। सब मर जाएंगे, आप भी मरे जाओगे। कोई नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे? हमें किसी भी हाल में इस गुलशन को ढूंढना होगा।
इस किताब में आत्माओं के बारे में लिखा है। कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आए? इस गांव के तो लगते नहीं हो तुम लोग। जी जी, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं। तुम कुछ नहीं हो ना? गुलशन नहीं, मौत हूं मैं, मौत इन सब गांव वालों की। इतनी नफरत क्यों करते हो तुम इन गांव वालों से? अरे मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया गांव से। क्यों? मैंने क्या बिगाड़ दिया इन लोगों का? हमें बदला लूंगा, एक एक से बदला लूंगा, और इन गांव वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी मेरे पूर्वजों की, जो उनके साथ ना इंसाफी हुई है। ना इंसाफी? कैसी ना इंसाफी? इन गांव वालों ने ऐसा क्या किया? कहते हैं कि मैं आत्माएं बुलाता हूं। हाँ, बुलाता हूं मैं आत्माएं, लेकिन मेरे पूर्वजों ने क्या किया था? कौन थे तुम्हारे पूर्वज? थे नहीं, हैं। वापस आ चुके हैं, दलदल में रहते हैं। किसी को नहीं छोड़ेंगे वो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे वो। ऐसा तो क्या हुआ था तुम्हारे पूर्वजों के साथ? इन गांव वालों ने मार डाला था उन्हें, और अब वो इन सब गांव वालों को मार डालेंगे, सबको मार डालेंगे। ये बचेंगे नहीं, कोई नहीं बचेगा इनमें से। लेकिन इन गांव वालों ने इनके साथ किया क्या था? मार दिया गया था आज से 200 साल पहले उन्हें। मेरे पूर्वज बेकसूर थे, डुबो दिया गया उनको इसी दलदल में। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि निर्दोष है, निर्दोष है, पर किसी ने एक न सुनी। मेरे पूर्वजों की आत्माएं गांव वालों के खून की प्यासी थी, इसलिए वो वापस आ चुके हैं सारे गांव को इसी दलदल में डुबोने के लिए। मगर किसी फकीर ने नहर का रास्ता मोड़ कर दलदल को सुखा कर बचा लिया गाँव वालों को। पूरा ना होगा मेरे पूर्वजों का इंतकाम, गाँव वालों को उसका प्रायश्चित करना होगा। तब मैंने शाम और मंगेश को पैसे का लालच देकर नहर का पानी दलदल की तरफ मोड़ने को कहा, और पैसे ने मौत को खरीद लिया। नहीं, ये सब बंद करो, हम तुम्हें और लोगों की जान नहीं लेने देंगे। तुम लोग रोकोगे मुझे? कोई नहीं रोक सकता मुझे। कितने बरसों इंतजार किया मैंने इस रात का, शक्ति और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। आज मेरा बदला पूरा होके रहेगा, आज मेरे सपने पूरे होके रहेंगे। कोई नहीं रोक सकता, सारे गांव को मरना पड़ेगा, पूरा गांव मरेगा आज की रात। आज की रात वो दलदल इन सारे गांव वालों को निकल जाएगा, लेकिन हमें किसी भी तरह उसे रोकना पड़ेगा। पर हम यहां से निकले कैसे? मेरे पूर्वजों, मैं गुलशन आपका आह्वान करता हूं। जागो, मेरे पास आओ। आज आपका बदला पूरा होने को है। तबाह कर दो इस गांव को, तबाह कर दो। वादा किया था आपने कि वो सारी शक्तियां मुझे मिलेगी। मैं आपका वंश हूं, वो सारी शक्तियां मांगता हूं। बना दो मुझे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। आप लोगों के साथ हुई ना इंसाफी का बदला लेना है मुझे। गांव वालों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। दो इस सारे गांव को उसी चादर के नीचे जहां 200 साल पहले आपको मारा था। और वो शक्तियां मुझे दे दो।
गया है आपको। मैंने अपान सहाय गांव वालों का क्या क्या कुर्बानियां दी है मैंने वो शक्तियां पाने के लिए। मुझे शक्ति चाहिए आज अभी इसी वक्त। मुझे शक्ति दो, शक्ति दो। क्या कर रहे हैं आप लोग साथ? ये आप नहीं कर सकते ना साथ। मैं आपका वंशज हूं। जानते रहो जागते रहो। जागते रहो। जागते रहो। रोशनी कहीं वो तो नहीं? ये क्या यहाँ भी रोशनी? खून 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 नहीं नहीं सुनना मुझे तो नहीं सुनना। जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी वहाँ। मत सुनो ये धुन। मैंने कहा ना, बाहर मत जाओ। मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी मैं। सुनील, रुक जाओ, मत जाओ सुनील। मेरी बातें सुनो, सुनील, दरवाजा खोलो सुनील। यहाँ से नहर का पानी सीधा दलदल की तरफ जाता है। तो श्याम और मंगेश ने गुलशन के कहने पर पानी को इस तरफ मोड़ा, जिस वजह से दलदल जिंदा हो गया। उसका मतलब यह है कि जहाँ से ये पानी मोड़ा गया है वो उस तरफ होना चाहिए। हाँ। अरे ये दलदल की तरफ कौन जा रहा है? ये तो सुनील है। लेकिन ये सुनील दलदल की तरफ क्यों जा रहा है? सुनील, 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 सुनील। इसने तो अपना होश खो दिया है। सुनील, सुनील, सुनील। ये मैं कहा हूं? तुम जंगल में हो सुनील? जंगल में? ये तुम दलदल की तरफ क्यों जा रहे थे? वो तीनों गांव में पहुंच गए हैं साहब। तीनों? कौन तीनों? वो तीनों आत्माएं सारे गांव वालों को मार डालेंगी साहब।
ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग नींद में चल रहे हैं। एक काम करते हैं, इन्हें जगाते हैं, शायद इससे इन लोगों को जाए। नहीं, अब कोई फायदा नहीं है, इन लोगों को रोकना हमारे बस में नहीं। तो क्या करें, और कोई रास्ता है क्या? हमें उस नहर के पानी को दलदल में जाने से रोकना होगा। तो क्या उसे दलदल सूख जाएगा? नहर के पानी से अगर दलदल जिंदा हो सकता है तो वहां मिट्टी डालने से वो सूख क्यों नहीं सकता? हाँ, अब यही रास्ता है लोगों को बचाने का। इससे पहले के गांव वाले दलदल तक पहुंचे, हमें इस नहर के पानी को दलदल तक जाने से रोकना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी करना होगा। क्या करेंगे यार? यमनी, तुम मिट्टी भरती रहो, हम इन गांव वालों को रोकते हैं। चलो राघव, चलो। अरे भैया रुक जाइए, रुक जाइए। अरे आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते? आगे खतरा, आगे दलदल है, मारे जा सकते हैं, आगे आप लोगों की मौत है। देखिए आप लोग रुक जाइए, मर सकते हैं, आगे दलदल है। रुक जाइए, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? ये लोग हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे? ये लोग हमारी बातें तब तक नहीं सुनेंगे जब तक ये बांसुरी की धुन नहीं बंद हो जाती। हमें किसी भी तरह ये बांसुरी की धुन को रोकना होगा हर्ष। पर कैसे? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज दलदल की तरफ कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, समझ गए? सिवाय तुम लोगों के। और जब तक तुम लोग दलदल तक पहुंचोगे, दलदल सूख चुका होगा। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। वो आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। आप लोगों ने हमें नया जीवन दान दिया है, ये एहसान हम गांव वाले कभी नहीं भूलेंगे। जीवन दान देने का काम ऊपर वाले का है, बस एक बात का ख्याल रखना, उस दलदल में फिर से पानी नहीं आना चाहिए, वरना फिर से दिखाई देगी लालटेन की रोशनी और गुंजे की मौत की आहट। Thank you.